Assalamu alaikum. Okay, so in this video, I'm going to tell you about the lipotropism of very low density lipoproteins. Already, my general lipoproteins or cardiometabolic metabolism आपको बता चुकी हूँ. So very low density lipoproteins में क्या किस्सा कहानी होती है, बहुत सादी सी बात है. इसमें भी बिल्कुल जैसे कार्डियोमायोसाइट्स की ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन आपको बताया था कि हर लाइपोप्रोटीन की कोई ना कोई स्पेसिफिसिटी होती है जो एपो लाइपोप्रोटीन उस पर अटैच होती है. इसकी जो स्पेसिफिक एपो लाइपोप्रोटीन इस पर अटैच होगी दैट विल बी एपो बी 100, ठीक है जी. उसके अलावा एपो सी 2 और एपो ई, ये तो हर किसी पर ही होती हैं. जिस तरह मैंने आपको एपो लाइपोप्रोटीन सॉरी कार्डियोमायोसाइट्स में भी इनका फंक्शन बताया था, जनरली भी बताया था, और अभी भी इनका फंक्शन सेम रहेगा, लेकिन एपो बी 100 इसकी स्पेसिफिक है, ठीक है. और बनती कैसी है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुकी है. अब VLDLs कहाँ पर होते हैं वो मैंने आपको बताया था, कार्डियोमायोसाइट्स बनते हैं इंटेस्टिनल सेल्स में, लेकिन VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स बनते हैं हमारे लिवर के अंदर. और उनका काम होता है कि लिवर से जो भी लिपिड्स हैं कोलेस्ट्रॉल है कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेस वगैरह हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करें टुवर्ड्स द पेरिफेरल टिश्यूज, ठीक है जी. अब उसमें बनेंगे किस तरह से, बनने का सेम वही तरीका है कि कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेस टैग्स और एपो बी 100 जो कि लिवर में बन रही है, ये सारी चीज़ें मिलेंगी. मिलना इन्होंने भी उसी तरह स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे है, मतलब उसके अंदर है. सारी चीज़ें मिलके जुड़ेंगी, एक वेसिकल पूरा बन जाएगा, फिर ये गॉल्जी ऑपरेटस में जाएगा, वहाँ पर ये पैकिंग होगी इस वेसिकल की, और फिर ये वहाँ से लिवर में से ब्लड में रिलीज हो जाएगा, ठीक है. तो ये इनका लिवर में बनने का तरीका है. ऑफकोर्स ये बात है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इनमें जो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है इनमें टैग्स का कंपोनेंट कम होगा एज कम्पेयर टू टैग का कंपोनेंट इन कार्डियोमायोसाइट्स. कार्डियोमायोसाइट्स में टैग्स यानी ट्राइड सेल ग्लिसरॉल सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी. अब इनका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करते हैं हम. अच्छा जी, अब आप देखें, अब हम बात करें वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की. ये हमारे पास लिवर है, लिवर में वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारी बन गई है, ठीक है. किस तरह से टैग्स हैं इसमें ज़्यादा ही है कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेस से, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है जितने कार्डियोमायोसाइट्स में थे. एपो बी 100 साथ अटैच हो गया, ये बन गई. अब इसको हम उसी तरह से कहते हैं जब ये नई नई बनी है, इसको हम कहते हैं नेसेंट VLDL. अब ये नेसेंट VLDL जब ब्लड में जैसे रिलीज़ होगी, तो जिस तरह मैंने बताया ना एम्बुलेंस की तरह से HDL फिर रहा होता है, वो HDL इधर भी एम्बुलेंस की तरह से फिर रहा होता है और फटाफट एपो सी 2 और एपो ई देता है और वो इसके साथ आके अटैच करवा देता है. तब हमारे VLDL के साथ एपो बी 100 एपो ई और एपो सी 2 तीनों चीज़ें अटैच हो गई हैं. अब ये ब्लड में फिर रही है. अब मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सबसे पहला काम यही करना होता है हमेशा का, जो भी बने उसने सबसे पहला काम ये करना होता है कि उसके में से टैग्स निकलवा के उनको यूटिलाइज़ कर लेना होता है. तो वो टैग निकलवाने वाला काम जो है वो एपो सी 2 से रिलेटेड है. एपो सी 2 जो हमारी जो एपो लाइपोप्रोटीन है ये एक्टिवेट करती है एक एंजाइम को, दैट इज़ कॉल्ड एज लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम. ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने ऑलरेडी आपको बताया कि तीन जगहों पर प्रेजेंट होता है बॉडी में, एडिपोज टिश्यू स्केलेटल मसल एंड कार्डिक मसल्स. उनकी मेम्ब्रेन की सरफेस पे होता है इनएक्टिव फॉर्म में, और एपो सी 2 आके इसे एक्टिवेट कराता है. और ये क्या करता है कि सेल के अंदर से इन टैग्स को निकलवा लेता है, और टैग्स को निकाल के ये देखिए यहाँ पर शो हुआ है, ये कैपिलरीज में ट्रेवल कर रहा था, रास्ते में एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू आया येलो वाला, लाइपोप्रोटीन लाइपेज की सरफेस पे प्रेजेंट था, एपो सी 2 ने उसको एक्टिवेट किया, फ्री फैटी एसिड अलग हो गए, ग्लिसरॉल अलग हो गए, यानी ट्राइसेट ग्लिसरॉल्स अंदर से तुड़वा दिए गए. अब फ्री फैटी एसिड अगर ये एडिपोज टिश्यू होगा तो उसमें स्टोर हो जाएंगे, अगर ये कोई और टिश्यू होगा कार्डिक स्केलेटल मसल तो वहाँ पर यूटिलाइज हो जाएंगे, और ग्लिसरॉल सीधा सीधा लिवर पर चला जाता है और लिवर के पास जाकर डिफरेंट रिएक्शंस में इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है. अब हमारे पास कार्डियोमायोसाइट्स के केस में तो ये होता था कि जब वो चीज़ में से टैग सारा हम निकाल लेते थे कार्डियोमायोसाइट में से, तो एपो सी 2 तो अलग हो जाती थी. एपो सी 2 जब अलग हो जाती थी उसके बाद हम कहते थे कि वो कार्डियोमायोसाइट रेमनेंट और वो लिवर में जाके टूट जाएगा, लेकिन वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के केस में ऐसा नहीं होता. जैसे ही अपने टैग्स दे देता है सारे के सारे टैग्स इसमें से मोस्टली निकल जाते हैं, उसके बाद ये होता है कि एपो सी 2 इसकी वापस उतर जाती है इस पे से, और साथ ही साथ इस पे से एपो ई भी उतर जाती है. उसमें तो कार्डियोमायोसाइट्स में एपो ई साथ रहती थी एपो लाइपोप्रोटीन ई, लेकिन इसमें ये जो एपो ई एपो लाइपोप्रोटीन है ये भी साथ ही निकल जाएगी और एपो सी 2 भी निकल जाएगी. अब हमारे पास जो बाकी हमारा बचेगा कंपोनेंट, उसको कार्डियोमायोसाइट के केस में हमने कहा था कि अब बच गए कार्डियोमायोसाइट रेमनेंट, लेकिन VLDL के केस में VLDL में से जब टैग्स निकल जाते हैं, टैग्स के निकलने के बाद एपो सी 2 और एपो ई इसका साथ छोड़ के दोबारा HDL के पास चली जाती हैं, तो दरमियान में एक इंटरमीडिएट बनते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. लेकिन इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन फ़ौरन से ही जब सारी एपो सी 2 और एपो ई इसके ऊपर से उतर के वापस HDL के पास चली जाती है, तो ये बन जाता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन. लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इसलिए क्यों, क्योंकि अब इसकी डेंसिटी पहले वाले से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि इसमें से फैट्स यानी टैग्स रिमूव हो गए हैं. और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन देखें, अब जिस तरह इधर लिखा हुआ है कि इधर कोलेस्ट्रॉल एस्टर और कोलेस्ट्रॉल अब ज़्यादा हो गए हैं और टैग्स बहुत थोड़े से रह गए, क्योंकि टैग्स सारे के सारे हमने निकाल दिए थे, और इसकी सरफेस पे अब चिपकी हुई सिर्फ और सिर्फ रह गई एपो बी 100. तो वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म तो इतना ही था. लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ.